नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम मार्जरीन बनाएंगे। मार्जरीन जो है वो पेस्ट्री शीट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है और वो आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मार्जरीन बनाने के लिए हमें चाहिए वनस्पति घी और ठंडा पानी। हमें ये वनस्पति घी जो है इसे गर्म करना है, तो हम इसे पैन में डालेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, ये पूरी तरह से पिघल जाए तब तक ही गर्म करना है। देखिए इसमें जो है दाने दाने होते हैं और मार्जरीन जो होता है वो स्मूथ होता है, और मार्जरीन आसानी से मार्केट में मिलता नहीं है, तो इस तरह से हम वनस्पति घी को पिघला कर मार्जरीन बना सकते हैं। देखिए ये पूरी तरह से पिघल चुका है, तो हम गैस को बंद कर देंगे। इसे थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम ये जो नीचे का बर्तन है इसमें थोड़ा सा बर्फ डालेंगे और थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे। तरह से ये घी वाला बर्तन रखेंगे और इसे धीरे धीरे इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। देखिए ये कैसे गाढ़ा होने लगा है, ये देखिए लगातार इसे चलाना है जब तक ये पूरी तरह से सॉलिड नहीं हो जाता लिक्विड में से। देखिए ये किस तरह से गाढ़ा होने लगा है, हमें और भी इसे फैटना है, थोड़ा और गाढ़ा करना है और दिखने में इसका कलर एकदम सफेद लगना चाहिए, तब तक इसे हमें मिक्स करना है। ये देखिए ये बर्फ के पानी में गिर गया था थोड़ा सा, तो देखिए ये कितना सफेद हो गया। अगर बर्फ के पानी में डालेंगे आप तो इस तरह से हाथों से उसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा भी पानी नहीं रह जाना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाता है। तो इसी तरह से इसे भी हमें सफेद होने तक फैटना है। देखिए ये मार्जरीन तैयार है, देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल तैयार है। इसे आप पेस्ट्री शीट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और इसे किसी एयरटाइट डब्बे में भरकर रूम टेम्परेचर पर 6 महीने के लिए आप रख सकते हैं।